दोस्तों कार के बॉडी से हमेशा शाइनिंग लुक हम पाना चाहते हैं, कार को थोड़ा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसके लिए हम ढेर सारे शैम्पू का हो चाहे पॉलिश का हो यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूँ, बॉडी के साथ साथ कार के जो ग्लास सरफेस होता है, चाहे फ्रंट विंडशील्ड हो चाहे रियर विंडशील्ड हो या फिर दोनों साइड के जो विंडो के ग्लास हो या फिर हेडलाइट्स वगैरह के ग्लास हो, तो इन सारे ग्लास सरफेस को भी क्लीन रखना एकदम पूरी तरह से जरूरी है। अदरवाइज से बॉडी को क्लीन करके कभी भी आपको प्रीमियम लुक मतलब नहीं मिलेगा आपके कार से। और साथ ही साथ विंडशील्ड जो है प्रॉपर तरीके से क्लीन रहना भी जरूरी है ताकि ड्राइविंग करने के टाइम पर आपको विजिबिलिटी भी क्लियर मिले। तो यहाँ पर दोस्तों आज के इस वीडियो में स्पेशली कार के ग्लास सरफेस के लिए बनाया गया 3M कंपनी का एक प्रोडक्ट है, 3M ग्लास क्लीनर। तो ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही बता दूँ, इसको ना तो मुझे 3M ने भेजा है, ना ही ये वीडियो 3M कंपनी का पेड प्रमोशन वीडियो है। हालांकि इस प्रोडक्ट को मैंने पहले कभी भी यूज़ करके नहीं देखा है, लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए इस प्रोडक्ट को मैंने लोकल शॉप से परचेस किया है। यहाँ पर इसके पीछे में दोस्तों प्रिंट प्राइस लिखा है 269 रुपीज़, लेकिन इसको मैंने लोकल शॉप से सिर्फ 250 रुपीज़ में परचेस किया है। तो आज के इस वीडियो में इस प्रोडक्ट का यूज़ करके देखेंगे कार के ग्लास सरफेस में, साथ साथ इस प्रोडक्ट के बारे में जितने भी जानकारी यहाँ पर लिखा है आपके साथ शेयर करेंगे और रिजल्ट क्या मिलता है यूज़ करने के बाद वो भी देखेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही साथ इस प्रोडक्ट को मतलब 3M ग्लास क्लीनर को अगर आप खरीदना चाहते हैं मेरे वीडियो को देखने के बाद, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने इस प्रोडक्ट का परचेस लिंक दे रखे, नीचे दिए लिंक से आप डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो वीडियो पर कृपया बन रहे, चैनल में नए हैं तो नीचे टिक करके सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 3M ग्लास क्लीनर का जो सॉल्यूशन है, पूरा क्लियर सॉल्यूशन है, कलरलेस है, मतलब कोई कलर नहीं है इसका, पानी की तरह दिखता है। तो यहाँ पर 3M ग्लास क्लीनर मेरे हाथ में है, इसको यूज़ करके आपको दिखाने से पहले थोड़ा जानकारी इसके बारे में दे देते हैं। तो यहाँ पर 3M ग्लास क्लीनर जो है, सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने इसका सील को अभी तक ओपन नहीं किया है, सील के ऊपर में जैसे लिखा है ओरिजिनल जेन्युइन ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सील को सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं। तो निकाल लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके ऊपर में एक ऑफ, इसके बाद इस तरह से घुमाने पर स्प्रे ऐसे स्प्रे होके निकलेगा, और इस तरफ में घुमाने पर देखिए यहाँ पर लिखा है स्ट्रीम मतलब ऐसे पॉइंटर होके निकलेगा। देखिए स्ट्रीम मतलब ऐसे पॉइंटर होके निकलेगा। दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर सामने में यहाँ पर लिखा है देखिए स्ट्रिक फ्री फिनिश ऑन ग्लास, मतलब ग्लास के ऊपर में यूज़ करने के बाद कोई भी लाइन या फिर स्ट्रिप्स मार्क्स नहीं आएगा। साथ ही साथ सेफ ऑन ऑल ग्लास मेटल एंड प्लास्टिक होगा, ये है यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्लास्टिक लिखा है, प्लास्टिक पार्ट्स, मतलब ग्लास के साथ साथ मेटल और प्लास्टिक पार्ट्स जो है आपके कार के बॉडी में वहाँ पर भी ये सेफ है। मतलब इनकेस अगर ग्लास के ऊपर स्प्रे करने के टाइम पर थोड़ा बहुत अगर आपके कार के मेटल या फिर प्लास्टिक सरफेस के ऊपर में स्प्रे हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्लास्टिक या फिर मेटल सरफेस के ऊपर में 3M ग्लास क्लीनर को यूज़ करें। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर लिखा है इजीली रिमूव फिल्मी रेसिड्यूज, फिंगरप्रिंट्स, रोड ग्रीम्स एंड अदर डट। शैम्पू वॉश करने के बाद नॉर्मली जब ड्राई हो जाता है तो ग्लास के ऊपर में जो शैम्पू का स्पॉट आ जाता है तो वही फिल्मी रेसिड्यूज बोल सकते हैं उसको, और साथ साथ हाथ लगाने से जो ग्लास के ऊपर फिंगरप्रिंट्स आता है और रोड ग्रीम्स मतलब टार स्पॉट वगैरह हो या फिर जो दूसरा डट वगैरह आपके कार के ग्लास के ऊपर में जमा होता है उसको ये आसानी से रिमूव कर देता है जैसा यहाँ पर लिखा है। ये एक 250 ml का बॉटल है। तो अभी पीछे में चलते हैं दोस्तों, पीछे में देखिए यहाँ पर लिखा है 269 रुपीज़ जो कि प्रिंट प्राइस है। अभी बात करते हैं डायरेक्शंस ऑफ यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर जैसे लिखा है स्प्रे ऑन टू ग्लास क्लीन 3M माइक्रोफाइबर क्लॉथ एंड रब थॉरली यूजिंग 3M माइक्रोफाइबर क्लॉथ टू क्लीन सरफेस फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब इसको आप कार के विंडशील्ड के ग्लास हो या फिर कार के विंडो के ग्लास हो बाहर और अंदर दोनों पोर्शन से यूज़ कर सकते हैं बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए। लेकिन आपके कार के रियर विंडशील्ड पर अगर डिफॉगर है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा रियर विंडशील्ड के अंदर के पोर्शन से यूज़ ना करें 3M ग्लास क्लीनर को, वहाँ पर आपके डिफॉगर जो है डैमेज हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर 3M माइक्रोफाइबर क्लॉथ को यूज़ करने के लिए सजेस्ट किया गया है, लेकिन आप कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3M ग्लास क्लीनर के इस पोर्शन में कुछ प्रिकॉशंस लिखा हुआ है, डू नॉट ब्रीथ वेपर और स्प्रे, अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट विथ स्किन एंड आइज, मतलब इस प्रोडक्ट के स्मेल को कभी भी आप नाक से ना ले, और साथ ही साथ इसको
स्किन और आँख दोनों चीज़ से ही दूर रखें। ये सारे जो वार्निंग्स है आपको इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के टाइम पर फॉलो करते हुए यूज़ करना है आपके सेफ्टी के लिए। दोस्तों मेरा जो कार है इसको मैंने 2 से 3 दिन पहले ही फॉर्म वॉश किया था और उसके बाद एक बार भी कार को बाहर नहीं निकाला, लेकिन फॉर्म वॉश करने के बाद पॉलिश भी किया था गाड़ी को, लेकिन उसके बावजूद भी जो कार के ग्लास है, ग्लास सर्फेस जो पूरी तरीके से गंदा ही है वॉश करने के बाद भी। तो देखिए यहाँ पर जो है पॉलिश को यूज़ किया था, उसके बाद थोड़ा बहुत पॉलिश ग्लास के ऊपर पड़ा था जो कि पॉलिश का स्पॉट आ गया है यहाँ पर, और साथ साथ ये वाले जो सारे स्पॉट आप दिख रहे हैं ये सारे आपके जो डस्ट है और पानी है मिक्स होने के बाद, पानी जब ड्राई हो गया वॉश करने के बाद, तो ये सारे वाटर स्पॉट भी आप इसको कह सकते हैं आ गए, पूरा ग्लास के ऊपर भर गया है जैसे आप देख सकते हैं इस सरफेस में। साथ को ड्राइवर सीट के विंडो के ग्लास की अगर बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों सेम ही है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पूरा वाटर स्पॉट हो, यहाँ पे डस्ट स्पॉट वगैरह है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाथ लगाने से हाथ को अगर हटा दिए तो देखिए यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट्स आ गया, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, देख लीजिए, देखिए फिंगरप्रिंट आ गया यहाँ पर इसके ऊपर में। तो इस फिंगरप्रिंट्स को भी 3M ग्लास क्लीनर से आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो ORVM है, ये सारा जो स्पॉट है ORVM के ऊपर में जैसे आप देख सकते हैं, ये भी मतलब डस्ट के स्पॉट आ गया इसके ऊपर में। तो अभी दोस्तों चलते हैं कार के फ्रंट विंडशील्ड की तरफ। तो अभी देखिए फ्रंट विंडशील्ड जो है, थोड़ा सा इस साइड से दिखाता हूँ तब आप कुछ पता चलेगा। देखिए यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं पूरा डस्ट से यहाँ पर भर गया है, जैसे आप देख सकते हैं, देखिए। और यहाँ पर देखिए जो है, देखिए कौन सा वाला स्पॉट आया है, देखिए यहाँ पर भी एक स्पॉट आ चुका है। और ग्लास के साथ साथ दोस्तों जो हेडलाइट्स वगैरह है, हेडलाइट्स वगैरह में भी हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो फॉग लैंप का जो ग्लास है इसके ऊपर में भी एक स्पॉट आया है, देखिए हाथ से कर दिया फिर भी स्पॉट जो है रह गया यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए। दोस्तों सबसे पहले कार के लेफ्ट साइड के जो रेयर का दरवाजे का विंडो का ग्लास है इसके ऊपर में 3M ग्लास क्लीनर को अप्लाई करेंगे। तो ग्लास क्लीनर के डायरेक्शंस ऑफ यूज़ के अनुसार सिंपली यहाँ पर एक जो स्प्रे मोड है, स्प्रे मोड में करने के बाद यहाँ पर सरफेस के ऊपर में स्प्रे कर देते हैं, बस हो गया। इसके बाद सिंपली एक माइक्रोफाइबर क्लीन क्लॉथ से इसको रब करेंगे। तो अभी जो है थोड़ा इसको ओपन करते हैं और ग्लास को थोड़ा नीचे की तरफ, देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है आप खुद ही देख लीजिए। ऊपर के पोर्शन में डोर वाइजर लगने की वजह से वहाँ पर जो है 3M ग्लास क्लीनर स्प्रे नहीं गया, ये वाला जो सरफेस पहले था और अभी जो है ये वाला सरफेस है, दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है बेसिकली आप खुद ही देख लीजिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये इस पोर्शन को देखिए, ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो सरफेस है यहाँ पर भी थोड़ा सा स्प्रे कर देते इसके बाद कपड़े की मदद से, देखिए अभी जो है पूरा यहाँ पर क्लीन हो गया। इस ग्लास के अंदर के पोर्शन से भी स्प्रे कर देते हैं और आप खुद ही देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों अभी अंदर के पोर्शन से भी क्लीन करने के बाद एकदम क्रिस्टल क्लियर जो है पूरा विंडो का ग्लास है, पूरा क्रिस्टल क्लियर लग रहा है। अभी जो ग्लास है देखिए क्या लुक देखने के लिए मिल रहा है, ग्लास में पूरा क्रिस्टल क्लियर लुक देखने के लिए मिल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस की अगर कंपेयर करें देखिए, तो यहाँ पर देखिए या फिर यहाँ पर देखिए कितने सारे स्पॉट आ गया है। तो अंदर से पोर्शन से इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि दोनों साइड से ही आपको क्लियरली पता चले। तो यहाँ पर अभी दोस्तों बाहर के पोर्शन से अप्लाई कर रहा हूँ ग्लास के ऊपर में, ये को ड्राइवर सीट के जो दरवाजा के विंडो है, तो यहाँ पर इस तरीके से स्प्रे कर दिए बाहर से। इसके बाद सिंपली आपको एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ की मदद से इसको इस तरह से रब करना है। तो देखिए दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जो सारे मार्क्स यहाँ पर थे सारे के सारे यहाँ पर रिमूव हो गए। तो यहाँ पर एक मार्क्स है, ये अंदर से है बाहर से नहीं है। तो अभी देखिए इन डोर वाइजर के जो पोर्शन है इसको अगर दोस्तों थोड़ा सा विंडो को नीचे की तरफ कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर आप रिजल्ट खुद ही देखिए, इस पोर्शन के साथ इस पोर्शन का रिजल्ट देखिए क्या डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। अभी अंदर के पोर्शन से ग्लास के ऊपर में अप्लाई करते हैं, देखिए देखिए अप्लाई करने के बाद अभी इस तरह से इसको रब कर देते हैं। साथ साथ इसको भी कर देते हैं रब। तो देखिए जो रिजल्ट है कितनी बढ़िया क्वालिटी का रिजल्ट यहाँ पर
देखने के लिए मिला है। पूरा ग्लास जो है अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर है दोस्तों। अभी यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड के ORVM के ऊपर में जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा जो है डट के स्पॉट आ गया है इसके ऊपर में, ORVM के ऊपर में, इस पोर्शन में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर सिंपली जो है 3M ग्लास क्लीनर को क्लियर नहीं करेंगे, यहाँ पर स्ट्रीम मोड में करते हैं और यहाँ पर इस तरह से ऐसे स्ट्रीम कर देते हैं। देखिए अभी मिरर जो है एकदम क्लियरली दिख रहा है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए थोड़ा पास से भी आपको दिखाते हैं, कोई भी अभी जो डार्क स्पॉट वगैरह थे सब रिमूव हो चुका है यहाँ से। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे कार के फ्रंट विंडशील्ड के ऊपर में इस पोर्शन में एक डस्ट जो है हार्ड होकर यहाँ पर चिपक गया है, जिसको देखिए उंगली से इस तरीके से रब करें तो स्क्रैच होने का भी चांस है। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो डट है, डट यहाँ से रिमूव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों 3M ग्लास क्लीनर में जैसे लिखा है, ये आधार डट को भी आसानी से रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर में थोड़ा सा बस ग्लास क्लीनर है, इसको अप्लाई करेंगे। देखिए बस थोड़ा सा अप्लाई कर दिया इसके ऊपर में। अभी देखिए सिंपली माइक्रोफाइबर क्लॉथ की मदद से रब करते हैं, तो देखिए आसानी से जो मतलब जो डट था निकल गया यहाँ से। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मेरा ORVM के ऊपर में पूरा डस्ट का लेयर है, देखिए जैसा आप देख सकते हैं। तो अभी इसके ऊपर में भी 3M जो ग्लास क्लीनर है इसको अप्लाई करते हैं और इसके बाद कपड़े की मदद से इसको रब करते हैं। अच्छी तरीके से कपड़े से रब करते हैं, उसके बाद ही रिजल्ट जो है पता चलेगा। हाँ दोस्तों, तो अभी देखिए पूरा जो ORVM है पूरा अभी क्रिस्टल क्लियर है, एकदम क्लियरली सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है दोस्तों, तो बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है 3M ग्लास क्लीनर। ORVM के ऊपर अप्लाई करने पर भी दोस्तों बहुत बढ़िया क्वालिटी का रिजल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ग्लास क्लीनर जो है दोस्तों डेफिनेटली बहुत बढ़िया क्वालिटी से मतलब जो आपके ग्लास सरफेस है कार में क्लीन करता है और एकदम पूरा प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर देता है आपके ग्लास को। तो डेफिनेटली इसको परचेस करके आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में नया है तो चैनल का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके या फिर स्क्रीन के ऊपर जो यूनिक एडवेंस मास्टर का लोगो दिख रहा है इसको प्रेस करके भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।